तो गाइस एक नया दिन एक नया फोन यहाँ पर आ चुका है हमारे पास। ये है पोको की तरफ से M4 Pro 5G। जी हाँ, इसका डब्बा आप देख ही रहे होंगे, बड़ा यहाँ पे कलरफुल सा है। बट एक और चीज, इसके अंदर से जो फोन निकल कर आया ना, वो भी काफी कलरफुल सा है। मतलब देख रहा हूँ काफी देर से पोको को, कुछ अलग ही डिजाइन निकल कर आते हैं इनके। चाहे वो बात करें इनके पहले फोन से लेके अभी तक के जितने भी फोन आए ना, ये मार्केट से कुछ डिफरेंट ही यहाँ पे डिजाइन लेकर आते हैं। और इसमें भी कुछ अलग नहीं है। M4 Pro 5G का जो आप कलर देखने वाले हो और साथ ही में जो डिजाइन ओवरऑल देखने वाले हो, ये मार्केट से थोड़ा हटके ही है, बिल्कुल ही अलग सा लगता है। तो चलो खोलते हैं इस डब्बे को। इससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, जो कि आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट मार लेना। डब्बा सुंदर है, पीला काला, 5G लिखा है, मेड इन इंडिया लिखा है। तो आपको यहाँ पे MediaTek 810 देखने को मिल रहा है, जो कि डुअल 5G के साथ है। 90 हर्ट्ज का फुल HD प्लस पैनल लगा हुआ है, 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग है, 50 मेगापिक्सल का ये कैमरा है, और बाकी जितनी भी सारी चीज़ें वो नीचे दे रखी हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। IP53 भी है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। हमारे पास ठंडा नीला कलर आया है, मतलब कूल ब्लू, एंड 6GB 128GB का वेरियंट है। तो सिम डालने का हथियार मिल जाता है हमको सबसे पहले, और उसके अंदर अगर आप देखो तो कुछ पुस्तकें हैं पोको की तरफ से, जो कि हम नहीं पढ़ने वाले। और भैया ब्रांड ने हमें कपड़े भी दे दिए हैं फोन को पहनाने के लिए, जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं। तो फोन है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा साइड पे रख देते हैं। और फर्स्ट इंप्रेशन वॉज वाओ, और क्यों वो बताता हूँ अभी। बट यहाँ पे आपको USB टाइप सी केबल मिल जाएगी, और साथ में यहाँ पे फास्ट चार्जर 33 वॉट का, ये दो बहुत काम में आते हैं, फोन चार्ज नहीं होता इनके बगैर। फोन की पहली मुंह दिखाई कही जाए, जी हाँ निकल आया है बाहर। तो फर्स्ट इंप्रेशंस मेरे वाओ की होते, पोको कुछ अलग ही बनाता है हमेशा। इस डिजाइन को देखो, बिल्कुल ही अलग, मार्केट में कुछ ऐसा देखने को मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको कुछ फंकी और कुछ मजेदार, कुछ बढ़िया मिल रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल एक अच्छी डिजाइन है। बैक पॉलीकार्बोनेट के साथ है, बट यार पूरा मैटी है, जिसके कारण काफी अच्छा लग रहा है, स्क्रैचेस जल्दी नहीं आने वाले। ऊपर एक स्पीकर, नॉइस कैंसिलेशन माइक, और मिल जाएगा आई ब्लास्टर। लेफ्ट साइड पे चले तो यहाँ पे हाइब्रिड सिम स्लॉट है, नीचे की साइड आपको हेडफोन जैक है, माइक है, USB टाइप सी और एक और स्पीकर, साइड पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स और फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। फोन IP53 के साथ गैस्केट लगी हुई है। गाइस अनबॉक्सिंग आई होप आपको पसंद आ गई होगी, वीडियो को आपने लाइक भी कर दिया होगा, और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके पास आने वाली है। पर इससे पहले कि मैं डिटेल्स डिस्कस करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में। ये आता है एडकॉम की तरफ से एक गेमिंग माउस, और जिनका बजट बहुत ज्यादा कम रहता है ना, मतलब 600-700 से ऊपर नहीं लेना चाहते, बट आप ट्राई करना चाहते हो गेमिंग माउस होते कैसे, तो आप यहाँ पे इस माउस को ट्राई कर सकते हो। ये सिर्फ अमेजोन के ऊपर 600 रुपए का लिस्टेड है। बॉक्स कुछ ऐसा लगता है यहाँ पे, और ये जो माउस है कुछ ऐसा लगता है गोल्डन एंड व्हाइट कलर के, मतलब कॉम्बिनेशन में है। इसमें लाइटें बैटे भी जगती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड ओवरऑल इसके बटन्स बहुत ही अच्छे हैं, और आपको यहाँ पे DPI सेटिंग्स भी मिल जाती है। 1200, 2400, 3600 DPI आप चेंज करके आराम से मोड्स के ऊपर खेल सकते हैं, और एक गेमर को पता है कि DPI की क्या वैल्यू होती है। एंड मैं एक चीज बताऊंगा, बहुत ज्यादा लाइट वेट है, हमें माउस जो है ना वो FPS गेमिंग के अंदर लाइट वेट चाहिए होते हैं, तो वो बिल्कुल वैसा है। एंड डेफिनेटली ये बहुत अर्गोनॉमिक है और चलाने में बहुत ज्यादा मस्त लगता है। तो आप अगर एक बजट माउस ढूंढ रहे हो 600 रुपए में, किलिंग डील है। मेरे को इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी है, मैं एपेक्स लेजेंड्स खेल चुका हूँ इसके साथ, पहले टाइम में पबजी खेल चुका हूँ इसके साथ, सो एमुलेटर के ऊपर, हाँ पबजी PC भी खेल चुका हूँ, GTA 5 भी खेल चुका हूँ। सो ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको आप परचेस कर सकते हैं। यार पोगो वालों की एक चीज की तो तारीफ करनी पड़ेगी, ये जो डिजाइन निकालते हैं ना वो कुछ अलग ही होते हैं। मतलब मार्केट में और कोई ब्रांड ऐसी चीजें करने की मतलब बिल्कुल भी सोच ही नहीं रहा, पोगो करता है। मतलब बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन निकालने की कोशिश, एकदम से बिल्कुल हटके, कि कॉम्पिटिशन में कोई ऐसा डिजाइन ही ना लगे। तो हाँ डेफिनेटली इस फोन के साथ भी कुछ ऐसा ही आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो पोको का फोन है कुछ अलग लग रहा है, ये जो फोन बिल्कुल ही डिफरेंट सा फील कर रहा है। यहाँ पे मैटे फिनिश देखने को मिल रही है, पीछे का जो ब्लू कलर का डिजाइन है, एक ओवरऑल पहली बात तो मेरे को कलर बहुत सुंदर लग रहा है। इसको जैसे मैं ऐसे ऐसे करता हूं तो लाइट की ट्रेल्स आती हैं, जो कि अच्छी लगती है। ऊपर से ये जो ब्लैक पार्ट है, ये भी अगेन मैटी के साथ है। एंड कैमरा मॉड्यूल ये है, जो थोड़ा सा आपको ग्लॉसी टाइप चमकता हुआ लगेगा। एंड अच्छी बात ये है कि यहाँ पे होल्ड करने में भी ये फोन अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा राउंडिश आ रहा है, यहाँ पे फ्लैट डिजाइन नहीं है, बॉक्सी नहीं है। ओवरऑल डिजाइन आई एम लाइकिंग इट, पॉलीकार्बोनेट है, बट स्टिल हाथ में काफी सही लग रहा है। मतलब पॉलीकार्बोनेट की यहाँ पे अगर मैं मटेरियल के बारे में बात करूं तो वो बहुत अच्छा लगा है। पोको चुम्मेश्वरी डिजाइन। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर जो डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है 6.6 इंचेस की, काफी बड़ी मैसिव डिस्प्ले, और ये फुल HD प्लस है, 90 हर्ट्ज की है,
IPS LCD पैनल है। IPS LCD के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो डिस्प्ले की क्वालिटी मेरे को काफी डिसेंट लगी है। ओवरऑल इसके जो कलर्स आते हैं काफी ओवरऑल अच्छे आते हैं, और यहाँ पे 90 हर्ट्ज़ जो है वो एकदम स्मूथ है, और यहाँ पे मेरे को कोई हिकअप्स वगैरह देखने को नहीं मिल रहे, विच इज अ नाइस थिंग। बाकी यार कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 है, थोड़ा सा हाँ एक्सपेक्ट कर रहा था कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 होगा, बट यहाँ पे 3 देखने को मिलता है। ओवरऑल देखो 90 हर्ट्ज़ पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही स्मूथली चल रहा है, बट यहाँ पे IPS के साथ अगर 120 हर्ट्ज़ अगर अब आना शुरू हो जाए, स्टैंडर्ड बन जाए, तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है। रेस 240 हर्ट्ज़ का आपको टच सैंपल रेट मिलता है अगर आप इसके अंदर मतलब FPS गेम खेलते हो, COD, BGMI वैसे गेम्स के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा। चलो भाई अभी ये देख लेते हैं परफॉर्म कैसा करता है, मतलब डेली में इसको यूज़ किया मैंने, थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं कर पाया, टाइम कम था, बट डेफिनेटली इसको जितना मैंने यूज़ किया है वो काफ़ी सही है। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो है MediaTek Dimensity 810, 5G प्रोसेसर तो है ये, साथ साथ में इसकी जो है ना ड्यूटी वो काफ़ी हैवी है, हैवी ड्राइवर। तो तारा भाई पोको ने यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं रही की है, तो यहाँ पे डायमेंसिटी 810 जो है वो आपको जर्नल यूज में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा। एंड ऑल्सो अगर आप BGMI वगैरह खेलना चाहते हो तो यहाँ पे वो भी आप डेफिनेटली अच्छे FPS पे खेल सकते हो। डायमेंसिटी 810 को आपने काफी सारे फोन्स में देखा है, सो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी मैंने यहाँ पे अभी BGMI टेस्ट नहीं करी है, तो उसकी मैं वीडियो बहुत जल्दी आपको दे दूंगा। अब मैं यहाँ पे स्टोरेज और रैम के बारे में बात करूँ तो 4GB 64GB, 6GB 128GB, 8GB 128GB देखने को मिल जाती है। काफी सारे यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन डाल दिए, एकदम लंगर लगा दिए, और अच्छी बात यह है कि रैम अच्छी है, LPDDR4X का रैम देखने को मिल जाता है, और UFS 2.2 का यूज किया गया है। मुझे एक बात की शिकायत है यहाँ पे, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि MIUI 13 के साथ ये बाहर आएगा, पर ये बच्चा हमारा थोड़ा सा पुराने सॉफ्टवेयर के साथ आ रहा है, 12.5 है इसके अंदर, Android 11 के ऊपर बेस्ड है, कहते हैं कि सॉफ्टवेयर जल्दी आ जाएगा अगला, बट आई एक्सपेक्टेड कि MIUI 13 मिलता तो। सो गाइस इसके अंदर 5000mAh का बैटरा भी है, मतलब बैटरी काफ़ी डिसेंट है, और यहाँ पर साथ में देखा जाए तो 33W का चार्जर भी मिल रहा है, यानी कि फास्ट चार्जिंग भी हो जाएगी, तो दिक्कत की कोई बात वैसे है नहीं। बट यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा इंप्रेस किस चीज से हुआ, हम हमेशा क्या बोलते रहते हैं यार, मतलब ये तो 2 मेगापिक्सल की कैमरा है ना, इसको निकाल के फेंक दो या फिर कुछ अच्छा दे दो। तो पोको ने क्या किया, यहाँ पर एक तो 50 मेगापिक्सल का कैमरा लगा दिया है, साथ में एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दे दिया है, और बाकी के दहेज वाले 2 मेगापिक्सल को टाटा बाय बाय सी ऑफ कर दिया है। जी हाँ, इसमें सिर्फ 2 ही कैमरा है, पीछे देखने में आपको लगेगा 4 कैमरा, बट 4 नहीं है एक्चुअली में, एक में AI लिखा हुआ है, एक फ्लैश है, और यहाँ पर एक जो है वो लाल बिंदी लगा दिए। जस्ट थोड़े से सैंपल्स हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो देख लो। सो गाइस आपको 1080p 60fps तक की यहाँ पे अनलॉकिंग मिल जाती है, तो आप वीडियो बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कलर्स वगैरह कैसे आ रहे हैं, ये फ़ोन कैसे उठा रहा है, एंड स्टेबल कर रहा है कि नहीं वो भी आप थोड़ा जज कर सकते हो 60fps पे कितना हो रहा है कितना नहीं। एंड माइक आउटपुट भी आपके सामने ही है। कलर्स तो मुझे ओवरऑल ठीक लग रहे हैं यहाँ पे, आउटसाइड जितना मुझे दिख रहा है क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा है, आउटडोर विजिबिलिटी ठीक है इस फ़ोन की, काफ़ी डिसेंट है, बट स्टिल सनलाइट में कलर्स जज करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। नाउ गाइस दिस इज 1080p 30fps, मुझे लगता है इस पे स्टेबिलिटी सही से आएगी एंड यहाँ पे अच्छे से काम करेगा, बाकी आप कलर्स वगैरह चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आप फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाना चाहते हो, व्लॉगिंग करने का सोच रहे हो, तो आप 1080p 30fps तक कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं जा सकते, एंड आपको ऐसा कुछ यहाँ पे क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। सो ये आप चेकआउट कर सकते हो कैसी है कैसी नहीं, एंड आप जज कर सकते हो। एंड फ्रंट पे स्टेबलाइज कितना है वो भी आप चेकआउट कर लो, क्योंकि मैं हैंड हेल्ड बना रहा हूँ, मैंने कोई सेल्फी स्टिक नहीं पकड़ी हुई। तो गाइज इसके अंदर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो ऑब्वियसली इन डिस्प्ले नहीं आ सकता था, यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको साइड पे देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे से काम करता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। सो अल्ट्रा फास्ट, अल्ट्रा एफिशिएंट, अल्ट्रा मज़ेदार, तो इस्तेमाल करो अपने अंगूठे को, क्या कर रहे हो, साइड पे लगाओ और फोन को खोलो। अच्छी बात एक और है, जब हम यहाँ पे Xiaomi या फिर Poco के फोन्स को देखते हैं तो यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं ज्यादातर, तो यहाँ पर भी आपको स्टीरियो स्पीकर्स हैं, ऊपर और नीचे सिमेट्रिकल है, एंड इसमें एक्स एक्सिस की यहाँ पे मोटर भी लगी हुई है, तो हैप्टिक्स काफी डिसेंट से आ जाते हैं, आपको बजट के हिसाब से अच्छे लगेंगे। नाउ गाइस इसका जो बेस वेरिएंट है उसका प्राइस रखा गया है 15,000 रुपए, यानी कि आपका ये स्मार्टफोन 15,000 की कीमत के ऊपर मिल रहा है। 22 फरवरी को इसका सेल है, बट मेरा ओपिनियन क्या है, क्या ये फोन अच्छा है? अभी देखो 5G का सीन कुछ ऐसा है कि 5G हमें बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है बड़ी सिटीज के अंदर, ये बताया गया था ट्राई के द्वारा, और अगर ऐसा हो जाता है तो आई थिंक 5G फोन्स की यहाँ पे तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा नीड होने वाली है,
क्योंकि चुल मच जाएगी भैया 5G आ गया, अब हमको चलाने का है, मैंने तो करना है। तो फिर वहां पे काम आएंगे 5G स्मार्टफोन्स जैसे कि ये, और 15,000 पे मैं डेफिनेटली ओवरऑल अगर पैकेज को देखूं तो यहां पर मेरे को कहीं से ये बुरा नहीं लगा है। इट्स अ डिसेंट प्राइसिंग और डिसेंट पैकेज, पावर है, कैमरा भी काफी मेरे को ठीक लगा यार, और यहाँ पे बाकी सारी चीजें अगर मैं देखूं डिस्प्ले वगैरह की क्वालिटी काफी ठीक है, फोन काफी सही है। रेस्ट इसके और टेस्ट जो है वो मैं जल्दी लेकर आऊंगा, इसके कंपैरिजंस लेकर आऊंगा, और भी कुछ अगर आपके पास सजेशन हो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बहुत हो गया भाई साहब। तो ठीक है, मेरे को कमेंट्स में बताना आपको ये फोन कैसा लगा, एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल, किस मैंने गाइस, टेक केयर।